गंगानगर बंगाली परिवारों की हालचाल लेने पहुंचे समाज सेवी सुब्रत विश्वास और कर्नल अजय कोटियाल। नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर गढ़मुक्तेश्वर, गंगानगर, हापुड़, उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से रह रहे बंगाली परिवारों से कर्नल अजय कोटियाल और बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास ने मुलाकात की। सरकार द्वारा CAA लाने के बाद जो लोगों के बीच धारणा बनी हुई थी, उस धारणा को दूर करने के लिए उद्वस्तु परिवारों से बातचीत की गई और RSS की तरफ से अजय कोटियाल को जो निर्देश मिले उसका पालन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बंगाली समुदाय के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनकी परेशानी को शासन प्रशासन को बचाने के लिए उनकी परेशानियों को जाना जा रहा है। कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि गंगानगर के हर परिवार को उनका अधिकार दिया जाएगा और उनकी परेशानी को उच्च अधिकारी तक पहुँचाया जाएगा। उनको वोट से वंचित किया गया या कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण हुआ यहाँ हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ आकर। वही बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत विश्वास ने कहा कि हमें सरकार के ऊपर तब तक भरोसा नहीं होगा जब तक सरकार हमें ठोस रूप से कुछ आश्वासन नहीं देती कि बंगाली समुदाय को बाद में कोई परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ रह रहे सभी परिवारों के पास माइग्रेशन कार्ड से लेकर 1947 से लेकर आज तक के सारे डॉक्यूमेंट हैं। उसके बावजूद गंगानगर में बसे बंगाली परिवारों के साथ हापुड़ अधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधि भेदभाव कर रहे हैं। जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं मिल जाता तब तक उत्तर प्रदेश का कोई बंगाली परिवार का नागरिक संशोधन अधिनियम फॉर्म नहीं भरेगा। यहाँ पर कर्नल अजय कोटियाल जी आए थे, यहाँ पर CAA के बारे में जानकारी ली जा रही है, जानकारी दी जा रही है कि इसमें क्या क्या प्रावधान में बदलाव किया जा सकता है और क्या क्या नहीं है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो गाँव वालों से जानकारी लेने पहुँचे देहरादून से वो, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि वो हमारे बीच में पहुँचे। गंगानगर गाँव के अंदर आए थे, यहाँ पर जो परिवार रहते हैं यहाँ पर ना इनको वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है, ना राशन कार्ड है, ना इनके विभिन्न सुविधाओं से इनको वंचित किया जाता है, जबकि 1999 तक इनको वोट देने का अधिकार था। और एक ऐसा गांव जो 1952-42 के डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनके पास, तो भी इनको इन सारे सरकारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है और इनको कहीं ना कहीं ये घुसपैठिया या नागरिक नहीं होने का दर्जा देता है। यह बहुत दुख की बात है। ऐसे भी आधुनिक युग में आज ऐसा एक गाँव है गंगानगर जहाँ पर ना बिजली है, ना रोड है, ना किसी चीज़ की सुविधा है, जहाँ पर सरकार कहती है कि हर सुविधा दी जाती है, हर चीजें की जा रही है, परंतु यहाँ पर एक दुख की बात है कि यहाँ पर हर सुविधा से ये परिवार वंचित है। और यही मांग को लेकर बैठक करी गई और जानकारी दी गई कि CAA में क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में गांव वालों से निर्णय लिया। गांव वालों ने बोला बहुत जल्दी इसके बारे में जानकारी लेके आपस में बैठक करके इसके बारे में हम अवगत कराएंगे और जो भी जितना भी हो सकता है इन गांव वालों को सहूलियत देने के लिए आज इस मीटिंग के माध्यम से बातचीत हुई। और गांव वालों ने अजय कोटियाल जी का धन्यवाद भी कहा कि वो उनके मध्य पहुंचे। यही थे जितना हमारा परेशानी है, शुरू से अभी तक कोई परेशानी बताया हमने, समझाया हमें CAA की फॉर्म की, हमें तो पता नहीं है, वो समझाया तो हम टाइम लेंगे 2-4 दिन और इधर उधर बात करके एक जगह बैठेंगे, मन की भावना लेके तभी उसको करेंगे। सरकार जो किया हमारा भी अच्छा ही है, बुरा है, दर्जन है तो दर्जन को लेकर। उसके बाद में हमको पता चला था जब हम कुछ बंगाली समाज के जो कैंप्स हैं उनमें गए थे और वहाँ पे जाकर के हमें जानकारी मिली थी कि एक जगह है गंगानगर, तो उस गंगानगर में किस प्रकार से पुराने समय से सरकार ने लोगों को क्या क्या बोल करके और आज ऐसी स्थिति में ला के खड़ा करा है कि उनके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ उत्पीड़न होता रहा है। आज ना उनके पास में नागरिकता है, ना उनके पास में वोटिंग का जो अधिकार है वो है, ना उनके पास में जो उनको ज़मीन किसी समय पे प्रॉमिस करी गई थी, कोई स्कीम किसी समय जो सरकार ने बनाई हुई उसके तहत, और उसके बाद में उससे भी ना उनको हटा दिया गया। आज हम उसी जगह पे आए और देखने को मिला कि साधारण से दिखने वाले लोग अपने अंदर कितनी ज़्यादा दुख, कितना ज़्यादा जज्बा और इस देश के लिए कितनी ज़्यादा सोच रखते हैं। और उसी के साथ में ये चीज़ भी समझ में आई कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे विचार के लोग हमारे देश में हैं तो पक्का ये भारत बड़ा स्ट्रांग बनेगा जब गंगानगर जैसे जगहों के लोग उनको बिल्कुल सबकी तरह समान एक जो अधिकार जो उनका बनता है, जो मौलिक सोच जो